हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका तक्षशिला पर। तक्षशिला पर दोस्तों, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री का एमसीक्यू सेशन, जो कि जीके क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, और इसमें हम लोग आधुनिक भारत की यात्रा क्लास 6 एनसीईआरटी से शुरू किए हैं। और इसके माध्यम से पूरा उद्देश्य यह है कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एनसीईआरटी। आप जानते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं तो आपसे सबसे पहला यही कहा जाता है कि एनसीईआरटी पर आपका कमांड, और एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री, इस पर आप बेहतर कैसे करें। और आप जानते ही हैं कि अनूप सर के क्लासेस से क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो चलिए, एक प्रयास है आपकी सफलता में, किसी तरह से आपको आगे बढ़ाया जाए, आपको सफल किया जाए। तो फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और अपने सारे मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा कि यहाँ के आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। और तक्षशिला के इस मुहिम के साथ जुड़े रहिए कि समाज का हर एक वर्ग जो है, चाहे वो आर्थिक रूप से कितना भी कमजोर हो, वो अपने सपने को टूटने नहीं देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन द लीडर ऑफ अ नंबर ऑफ एंटी ब्रिटिश रिवॉल्ट्स इन संबलपुर। निम्नलिखित में से कौन संबलपुर में कई ब्रिटिश विरोधी विद्रोहियों का नेता था? ऑप्शन है कट्टा बोमन, सुरेंद्र साई, उत्तरत सिंह या सैयद अहमद बरेलवी। आपका समय जो है वो आपके स्क्रीन पर जो है शुरू हो चुका है। प्रश्न बहुत ही साधारण सा आपके स्क्रीन पर है, और क्लास 6 के एनसीईआरटी से ये प्रश्न है। आप भी कहेंगे सर क्लास 6 एनसीईआरटी, बिल्कुल क्लास 6 एनसीईआरटी का प्रश्न है, और पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा होगा। उत्तर जो है वो आपके दिमाग में जो है वो बना होगा, तो फटाफट इसका उत्तर दे दीजिए। देखते हैं कि राइट आंसर क्या दे रहे हैं आप लोग, है ना। और पहला उत्तर आप लोगों ने दिया होगा, तो पहला उत्तर जो है दोस्तों वो है ए। जिन्होंने भी कहा ए, वो सभी के उत्तर जो है वो आपके सही हैं। माफ कीजिएगा, जिन्होंने कहा बी, वो सभी के उत्तर जो है वो सुरेंद्र साई जो है राइट है। और लैब्स के सिद्धांत के आधार पर अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने 1849 में संबलपुर पर कब्जा कर लिया, क्योंकि नारायण सिंह के उत्तराधिकारी के लिए कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था। और 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने सुरेंद्र साई और उनके भाई उदयंत साई को जो है वो मुक्त कर दिया था। सुरेंद्र साई के नेतृत्व में संबलपुर में अंग्रेजों का जो है वो विरोध जारी रहा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है दोस्तों ये, और समय शुरू हो चुका है आपके स्क्रीन पर, मैं प्रश्न को पढ़ता भी रहता हूँ। बाय विच चार्टर एक्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना कम टू एन एंड। इस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार जो है वो समाप्त हो गया। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर आपके दिमाग में होगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 या चार्टर एक्ट ऑफ 1853। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, समय समाप्त हो चुका है। जब तक मैं प्रश्नों को पढ़ रहा था, हो सकता है आप भी साथ में देख रहे होंगे, दिमाग में अगर उत्तर आपके आ रहा होगा बी, यानी कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, तो ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है। 1813 का चार्टर अधिनियम जो है, इसने यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम था जिसने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को जारी किए गए चार्टर का नवीकरण किया था और भारत में कंपनी के शासन को जारी रखा, जिसमें चाय का व्यापार, चीन के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का वाणिज्यिक अधिकार जितना भी था वो सभी को समाप्त कर दिया गया। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द रीजन्स वेयर द ब्रिटिशर्स एंड फर्स्ट सेटअप ट्रेडिंग पोस्ट। निम्नलिखित में कौन सा उन क्षेत्रों में नहीं है जहां अंग्रेजों ने सबसे पहले व्यापारिक चौकियां स्थापित की थी? ऑप्शन है बंगाल, गोवा, कोरोमंडल कोस्ट या गुजरात। और आपका समय शुरू हो चुका है, आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। फटाफट उत्तर दीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ जो है वो शेयर भी कर दीजिए कि आपके मित्र जो है वो भी इसका लाभ उठा सके, ठीक है ना। पहला, और दोस्तों जिन्होंने भी कहा बी यानी कि गोवा, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। गोवा जो है वो राइट आंसर है, और गोवा उन क्षेत्रों में से नहीं है जहां अंग्रेजों ने पहली व्यापारिक चौकी किया जो है वो स्थापित की थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हु प्रोपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश एम्पायरलिज्म। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की आर्थिक निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डब्ल्यू सी बनर्जी, एक सेकेंड, ऑप्शन को थोड़ा सा सही कर दिया जाए, है ना, ठीक है ना। डब्ल्यू सी बनर्जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और गांधी जी। आपको बताना है कि
राइट आंसर क्या है ए बी सी या डी में से, और आपका समय शुरू हो चुका है। Who propounded the theory of economic drain of India during British imperialism? ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की आर्थिक निकासी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो दोस्तों जिसके दिमाग में होगा सी, यानी कि दादा भाई नौरोजी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और दादा भाई नौरोजी का काम जो है वो भारत में अंग्रेजों के औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से इंग्लैंड के धन निकासी के ऊपर जो है वो केंद्रित था। अगला प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवॉल्ट? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? वीर कुंवर सिंह, टाटा टोपे, नाना साहेब या मौलवी अहमदुल्ला? आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है ए बी सी या डी। हु अमंग द फॉलोइंग हु फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश इन 1857 रिवॉल्ट? निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी? तो दोस्तों जिन्होंने कहा ऑल ऑफ द अबव, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें कुंवर सिंह, टाटिया टोपे, नाना साहब और मौलवी अहमदुल्ला सभी ने जो है अपना योगदान दिया। अगला प्रश्न है, ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वॉज मेनली इन्वेस्टेड इन? औपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश कहाँ किया गया था? इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर या सर्विसेज? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ब्रिटिश कैपिटल वॉज मेनली इन्वेस्टेड इन? औपनिवेश काल के दौरान ब्रिटिश पूंजी का मुख्य रूप से निवेश कहां किया गया था? और बिल्कुल दोस्तों जिन्होंने कहा सी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। एग्रीकल्चर जो है वो आपका राइट आंसर है, कृषि जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। औपनिवेश काल के दौरान मुख्य रूप से कृषि में अंग्रेजों ने जो है वो काफी निवेश किया था, और कृषि से जो भी संबंधित कच्चा माल था वो औपनिवेश काल के दौरान उद्योग के लिए अनिवार्य था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। द ब्रिटिश एल्टीट्यूड टूवर्ड्स ग्रांटिंग इंडिया इंडिपेंडेंस चेंज पार्शली ओमिंग टू द, भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रति अंग्रेजों का रवैया आंशिक रूप से किसके कारण बदल गया? चेंज इन गवर्नमेंट ऑफ द यूके, इंपैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, ग्रोइंग टाइड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऑल ऑफ द अबव। यूके की सरकार में परिवर्तन, द्वितीय विश्व युद्ध का प्रभाव, भारतीय राष्ट्रवाद का बढ़ता एक तरह से उफान कहिए ज्वार की जगह पर, या उफान कुछ भी शब्द यूज कर लीजिए, ऑल ऑफ द अबव उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है। भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के प्रति अंग्रेजों का रवैया आंशिक रूप से किसके कारण बदल गया? और दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को पसंद आ रही होगी क्लासेस, और ये क्लासेस सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चैनल को अगर पहली बार आप जुड़े हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, और ये तक्षशिला का जो ऐप है इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्लासेस के पीडीएफ सब मिलते हैं। दोस्तों जिन्होंने कहा डी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, राइट आंसर है डी। अगला प्रश्न है, इन 1650 में गैब्रियल बॉटन An employee of the company obtained a license for trade in. 1650 में कंपनी के कर्मचारी जिनका नाम था ग्रेबियल बॉटन ने व्यापार करने के लिए कहां से लाइसेंस प्राप्त किया था? बंगाल, उड़ीसा, मैसूर या सूरत? आपको बताना है दोस्तों कि राइट आंसर क्या है। In 1650, Gabriel Botton, an employee of the company obtained a license for trade in. 1650 में कंपनी के कर्मचारी ग्रेबियल बॉटन ने व्यापार के लिए कहां से लाइसेंस प्राप्त किया था? ये प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, बंगाल, उड़ीसा, मैसूर और सूरत, और आपका समय समाप्त हुआ। दोस्तों जिन्होंने कहा बंगाल, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है, बंगाल जो है आपका राइट आंसर है। और 1650 में बंगाल के कर्मचारी जिनका नाम था क्या गैब्रियल बॉटन ने बंगाल में व्यापार के लिए लाइसेंस प्राप्त किया था, और 1651 में हुगली में एक अंग्रेजी कारखाने का जो है इन्होंने स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, वी डिड नॉट सीक आवर इंडिपेंडेंस आउट ऑफ ब्रिटेन रूइन बाई होम, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी आजादी नहीं चाहते हैं, ये किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या रविन्द्रनाथ टैगोर? आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। वी डू नॉट सीक अवर इंडिपेंडेंस आउट ऑफ ब्रिटेन्स रूइन सेड बाई होम, हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी आजादी नहीं चाहते, ऐसा किसने कहा था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले या रविन्द्रनाथ टैगोर। समय तो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता हुआ और दिमाग में आपके उत्तर जो है वो चलता हुआ होगा कि कौन सा उत्तर होगा सही। दोस्तों जिन्होंने कहा महात्मा गांधी, वो सभी के उत्तर जो है वो सही। और महात्मा गांधी ने ही कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो है वो महात्मा गांधी के बारे में अगर हम कहें तो अंग्रेजी के प्रति जो है ये एक समझौतावादी रवैया को इन्होंने अपना लिया था। यहां तक कि इन्होंने ये भी कहा था कि हम ब्रिटेन की बर्बादी से आजादी की तलाश नहीं करते। और गांधी उस समय के राजनीतिक परिदृश्य में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति थे। और ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि वो अंग्रेजों के प्रति समझौतावादी रवैया जो है इन्होंने अपना लिया था, और उस समय कई अन्य राजनीतिक नेता जो है वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। द यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी रेफर्स टू द कंपनी इन इंडिया फॉर्म बाई द। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी का तात्पर्य भारत में कंपनी द्वारा गठित मतलब कहाँ की कंपनी के रूप में, कौन सी कहाँ की कंपनी थी ये, पुर्तगाल, डच, फ्रेंच या ब्रिटिश। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है, ए बी सी या डी। यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कहाँ की कंपनी थी, प्रश्न सीधे सा यही है। पुर्तगालों की कंपनी थी, डचों की कंपनी थी, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसियों की कंपनी थी या ब्रिटिश की कंपनी थी, ये प्रश्न है। और ये आज का अंतिम प्रश्न है, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा सेशन फीडबैक में अवश्य बताइएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के साथ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्योंकि एनसीईआरटी बेस है यहाँ से, तो ये सभी के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। चाहे आप आईएएस का परीक्षा दे रहे हो, चाहे एमपीसीएस का दे रहे हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं, और बहुत सारे जैसे स्कूल जाने वाले बच्चे हैं जिनको ये पढ़ना है अच्छा लगता है, वो भी पढ़ सकते हैं। तो खूब पढ़िए, आगे पढ़िए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। और दोस्तों जिन्होंने कहा पी यानी कि डच, वो सभी के उत्तर जो है वो सही है। और यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सब ब्रिटिश द्वारा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में भी जाना जाता है, जो कि मूल रूप से 1602 में एक चार्टर्ड कंपनी के रूप में जो है स्थापित हुई थी, ठीक है ना। और ये एक बात कहें तो इसे मसाला के व्यापार करने के लिए जो है एक अधिकार जो है वो प्राप्त हुआ था। तो दोस्तों ये रहा आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए कि यहाँ आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। क्लास के पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप तक्षशिला का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। तक्षशिला का ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर आप तक्षशिला सर्च कीजिए, और ये बरगद का पेड़ वाला जो है इसी को डाउनलोड करके मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड कर लीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं फिर अगले क्लासेस में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।